नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है और आज उसका डे थर्ड है। और दोस्तों, इस सीरीज के जस्ट बाद वनडे सीरीज भी होनी है जिसका अनाउंसमेंट BCCI के द्वारा किया जाना है। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर जो कि हार्दिक पांड्या अभी टीम से बाहर चल रहे हैं, उनके प्लेस पर कौन ऑलराउंडर आएंगे, उसमें दो ऑप्शन सामने आ रहे हैं। वो कौन दो ऑप्शन है उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया को एक फास्ट गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश है, क्योंकि हार्दिक पांड्या रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर के संभावित बैकअप के रूप में उभरे हैं, लेकिन इस युवा खिलाड़ी को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कप्तान ऋषि धवन भी विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद केंद्र के चर्चा में आ गए हैं। अय्यर और धवन दोनों ही ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि BCCI किसे मौका देता है। वेंकटेश अय्यर ने साल 2021 में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने केवल 10 मुकाबलों में 370 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल में पहुंचने में अहम रोल अदा किया। मध्य प्रदेश के लिए खेलने वाले वेंकटेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और उन्हें हार्दिक पांड्या के संभावित बैकअप में के रूप में देखा जा रहा है। वेंकटेश अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में भारत के लिए पदार्पण भी किया, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे। वेंकटेश अय्यर लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में नंबर 6 या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 150 प्लस स्कोर करने वाले मैच 7वें और विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा करने वाले वो पहले प्लेयर बने। वेंकटेश अय्यर के मुकाबले ऋषि धवन ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन किया। धवन आखिरी बार 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL का हिस्सा भी रहे थे। साथ ही इससे पहले वह मुंबई इंडियंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम साझा भी कर चुके हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर एक युवा एवं आक्रामक विकल्प है। हाल ही में IPL और भारत के लिए पदार्पण के दौरान उन्होंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज के लिए किसे मौका देते हैं। दोस्तों, आगामी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए आप ऋषि धवन और वेंकटेश अय्यर आप अपनी प्लेइंग 11 में किसे रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों, मेरा द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।